हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए गार्लिक नान विद बटर और पालक पनीर की सब्ज़ी। वो कैसे बनाना है, जब तक मैं पालक ब्लांच हो करूँगी या पालक ब्लांच होगा तब तक मैं आपके लिए मैदा कैसे बनाते हैं नान की वो मैं बताती हूँ। देखिए देखिए फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे नान। नान कैसे बनाने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये लिया मैंने एक कप आटा। मैं सिर्फ मैदे के नहीं बनाऊंगी, मैं आटे और मैदे को भराऊंगी। ये एक कप आटा लिया है मैंने और इसमें हम डालेंगे 2 कप, ये 1 कप और 1 कप और डालूंगी मैं इसमें मैदा, यानी टोटल 3 कप आपका ये हो गया फ्लोर। 1 कप आटा, 2 कप मैदा। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून और ये 2 टेबल स्पून हम दही डालेंगे और ये 2 पिंच के लगभग डालेंगे हम इसमें ये सोडा बाइकार और 1 टेबल स्पून डालेंगे हम इसमें ये आपका बेकिंग पाउडर। अब इसे हम गूंथेंगे। देखिए अब इसे हाथ से गूंथेंगे, पहले मिक्स करेंगे सारा अच्छे से। अब मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे ये पानी, सादा पानी मैंने लिया है, गर्म पानी नहीं लिया है। और सॉफ्ट सा इसका डो तैयार करेंगे हम। देखिए मेरा डो तैयार हो गया है, कुछ सॉफ्ट है। अब मैं इसमें ऑयल डालूँगी 1 टेबल स्पून। अच्छे से इसको फिर हम गूंथेंगे। देखिए मेरा डो तैयार हो गया है, मैंने 3-4 मिनट का अच्छे से इसे गूंथा है। अब मैं इसे ढक के रख देती हूँ और तब तक बनाती हूँ ना पालक तैयार करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने पालक अपना ब्लांच कर लिया है, गर्म पानी में डाला है। इसको उबालना नहीं है ज़्यादा मुझे, क्योंकि इसका जो ग्रीन कलर है ज़्यादा उबालने से वो ख़त्म हो जाता है। मुझे ये उलट पुलट के मैंने गर्म पानी में इसको 2 मिनट तक ब्लांच किया है। अब मैं इसी तरह से हटा लूँगी गैस से, गैस बंद कर देती हूँ। इसको मैं अब ठंडे पानी में डालूँगी, गर्म पानी निकाल के ठंडे पानी में डालूँगी, गलाना नहीं है मुझे। फिर मैं इसको इसका पेस्ट बनाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अपना पालक पीस लिया है। अब ग्रेवी कैसे तैयार करनी है वो दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड, गैस जला लेते हैं और इसमें डालेंगे हम 1 बड़ा चम्मच ऑयल। कढ़ाई गर्म हो जाएगी, फिर प्याज डालेंगे। देखिए फ्रेंड, तेज गर्म हो गया है, इसमें ये मैं तेज पत्ता डालूंगी। और ये डालूंगी 1 टेबल स्पून जीरा और ये इलायची डालूंगी मैं कुछ, ये खड़े मसाले मैंने डाल दिए हैं। अब ये इलायची है बड़ी, इसको मैं छील के डालूंगी, इसके बीज छिकल नहीं डालना है इसको। और ये अदरक का पेस्ट है और ये कुछ 3-4 कलियां हैं लहसुन की, ये डालूंगी मैं इसमें। हल्का सा भूनेंगे हम। देखिए अदरक भून चुका है मेरा। अब मैं इसमें डालती हूँ ये प्याज, इसे हल्का सा भूनेंगे, हल्का गुलाबी होने तक, ज़्यादा नहीं भूनना है। ये भून चुका है फ्रेंड्स हमारा। अब इसका हम बारीक बारीक पेस्ट बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून बटर और उसमें ये हम ज़रा बटर पिघल जाएगा फिर हम अपना इसमें ये पेस्ट डालेंगे। प्याज का जो मैंने पेस्ट बनाया है वो डालेंगे। देखिए बटर ने पिघलना शुरू कर दिया है। अब इसमें ये पेस्ट डाल देंगे हम ना। अब इसमें डालेंगे हम मसाले, ये 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून से भी कम डालेंगे हम इसमें हल्दी पाउडर और ये डालेंगे
रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून, 1 से भी कम डाल रही हूँ मैं इसमें, मीडियम फ्लेम पे हम इसे अच्छे से भूनेंगे। हमारा अनियन और गार्लिक तो पहले से ही भुना हुआ है, लेकिन फिर भी हल्का सा ऐसे हम भूनेंगे, और इसी समय हम डालेंगे इसमें 3-4 टेबल स्पून दही। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं पालक पनीर आपके लिए, लेकिन ये अलग स्टाइल से बना रहे हैं हम, इसमें टमाटर का यूज़ नहीं करेंगे। ये मैंने 4 चम्मच इसमें डाल दिया है दही, दही से इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट आता है। और इस दही डालने के बाद इसे हम छोड़ेंगे नहीं, मसाले को बिल्कुल हल्की आंच में 2-3 मिनट तक भूनेंगे, जब तक इसमें घी ना छोड़ने लगे मसाला। ये बे लीव्स मैंने निकालनी थी पीसते समय, तो इसको मैं डाल देती हूँ फ्रेंड्स। इसी में डालेंगे हम 1 टेबल स्पून नमक, ये 1 टेबल स्पून नमक डालूँगी मैं इसमें। पालक में ऑलरेडी नमक रहता है, इसलिए नमक ज़्यादा नहीं लगेगा इसमें। इसी में फ्रेंड्स डालेंगे ये हम 2 टेबल स्पून मलाई, फ्रेश मलाई, इसको भी मिक्स करेंगे। देखिए मसाला भुन चुका है, अब मैं इसमें डालूँगी अपना प्यूरी, पालक की प्यूरी जो मैंने पीस के रखी हुई है, अब इसे इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी पालक की ग्रेवी तैयार हो गई है, पालक हमारा रेडी है। अब पनीर डालना है, वो बाद में हम डालेंगे, अभी हम अपना नान तैयार करें। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी मैदा तैयार हो गई है, 10-15 मिनट करीब हो गए हैं मुझे रखे हुए हैं, और इसके मैं अच्छे से देखिए फूल के रेडी हो गई है। अब मैं इसकी लोइयाँ बना लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने लोइयाँ बना ली है, मेरी 5 लोइयाँ बनी हैं। अब कैसे इसको बेलना है, कैसे गार्लिक लगाना है, वो मैं आज आपको बताती हूँ आगे। फ्रेंड्स, मैंने तवा अपना गर्म करने के लिए रख दिया है तेज़ गैस पर, और अब हम नान बेलना शुरू करते हैं। देखिए, आप किसी भी शेप में बेल सकते हैं, लंबा, गोल, जो आपको पसंद हो उस शेप में आप बनाएं। इसे हाथ से भी बना सकते हैं, बहुत अच्छे से बनता है ये हाथ से। देखिए, ये बताती हूँ मैं आपको, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। देखिए, खूब अच्छे से बन जाता है ये। अब इसमें हम लगाएंगे गार्लिक, ये मैंने चॉप करके रखा है बारीक बारीक, ये गार्लिक लगाएंगे हम यहाँ, और इसमें ये कटा हुआ धनिया है ये लगाएंगे, और इसको हम बेलन की सहायता से हल्के से पुश करेंगे ताकि ये इसमें अच्छे से लग जाए। अब हम इसको नान को उठाएंगे इस तरह से, अपने इस तरफ से उठाएंगे ऐसे, ठीक है। इधर से हमने उठा लिया है, और ये पानी है, ये पानी का हाथ हम इधर लगाएंगे, अच्छे से लगाएंगे चारों तरफ, और फिर इसी साइड से, प्लेन साइड से हम इस पर तवे पे डाल देंगे। ये देखिए, इस तरह डाल दिया है मैंने, और इसे मैं अभी ढक दूंगी 1 मिनट के लिए। देखिए, इधर से तो फूल गया है, देखिए कितने अच्छे बबल्स आ गए हैं मेरे। अब मैं इसमें इसको पलटती हूँ फुल गैस करके, ये इस तरह से सेकेंगे। देखिए किस तरह सिक रहा है हमारा नान, इसे हल्की हल्की आंच में हम करके इसको सेक लेंगे, और देखिए बहुत अच्छा सिक रहा है, क्रिस्पी होने तक सेकेंगे इसे हम। देखिए फ्रेंड, नान सिक गया है, अब हमने इस पर बटर लगा दिया है, अब इसी समय हम इस पर बटर लगाएंगे अच्छे से। इसको 2 पीसेस में हम कट कर लेंगे। ये देखिए निकल आया आराम से, अब मैं दिखाती हूँ आपको बैक साइड से भी, देखिए किस तरह से सिका हुआ है, कितनी अच्छी तरह से सिका है ये।
ये नान हमारा रेडी है सर्व करने के लिए।